हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल आसन। और आज का वीडियो भी स्पेशली मैं आर प्लेनेट के ऊपर ही बना रहा हूँ, क्योंकि आर प्लेनेट में अभी भी बहुत लोगों को बहुत सारा बात डाउट है। तो आज का वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो ये टोटली आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। प्लस देखिए, कल मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने आप लोग को दिखाया था कैसे आप लोग को बैक टोकन यूज़ करके ट्रेडिंग ग्रुप से कैसे आप लोग को NFT बाय करना है। आर प्लेनेट का रिग हो गया, एलिमेंट हो गया, आप लोग बाय कर सकते हैं, या पैकेज हो गया, आप लोग टोटली बाय कर सकते हैं इसका ग्रुप में भी जाके। प्लस देखिए, यहाँ में मैंने इंट्रोड्यूस किया था ये सब जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है ये ओरिजिनली है क्या। ठीक है, आज का वीडियो भी स्पेशली मैं बना रहा हूँ टोटली आर प्लेनेट के ऊपर में। और कल मुझे किसी ने पूछा था कि ये जो रिग होता है और एलिमेंट होता है इसके अंडर में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, डिफरेंस कुछ नहीं होता है जितना तक मुझे मालूम है, लेकिन रिग में आप लोग देख सकते हैं, हमें देखिए इसका जो माइनिंग पावर है हमें 400 लिखा हुआ है। इसमें भी देखिए ये रिग है, ये रिग है, ये रिग है, लेकिन ये देखिए ये एलिमेंट है, इसमें देखिए कहीं में लिखा हुआ नहीं होता है। ठीक है, ये पहले बात है। और इसीलिए देखिए एटॉमिक हाफ में अगर कोई भी जाते हैं तो फर्स्ट वो लोग रिग ही बाय करते हैं, एलिमेंट बाद ही बाय करते हैं। जब उसको समझ में आता है तभी वो एलिमेंट में एंटर होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ में देखिए एलिमेंट में कहीं में भी यहाँ में प्राइस लिखा हुआ नहीं है। लेकिन इसका बहुत ही एक सिंपल वे है, देखिए यहाँ में एक प्लगइन मिल जाता है गूगल क्रोम का, आर हब। आप लोग गूगल में सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा। जैसे हमें शो कर देंगे तो यहाँ में देखिए इसका माइनिंग पावर कितना है, इसका माइनिंग पावर कितना है, इसका माइनिंग पावर कितना है, हमें शो हो गया है एक सिंपल एक प्लगइन की वजह से। ठीक है, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिग भी बाय कर सकते हैं, आप एलिमेंट भी बाय कर सकते हैं। रही बात दूसरा, देखिए किसी ने मुझे पूछा था कि ये के एलिमेंट का पावर डिक्रीज हो जाएगा, तो जितना तक मुझे पता है कि ये जो एलिमेंट है इसका भी माइनिंग का जो पावर है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। और इसलिए देखिए मैंने भी ये बाय करके हमें लगाया, इसका जो माइनिंग का पावर था आज भी 413 है और 1 वीक पहले भी 413 था। ठीक है, इसका भी देखिए इसका 777 है, इसका भी पावर जितना मैं बाय किया था आज तक कुछ भी मतलब चेंज नहीं हुआ, उतना ही है। और इतना तक मुझे पता है कि ये रिग और एलिमेंट सेम ही होता है, लेकिन रिग में माइनिंग का पावर शो होता है और एलिमेंट में हम लोग को मैन्युअली उसको देखना होता है। और मैन्युअली हम लोग आराम से देख सकते हैं, अगर हम लोग को जाना है इसको देखना है तो आराम से हम लोग को इसको क्लिक करना है। उसके बाद ये जो सीरियल नंबर है इसको हम लोग को कॉपी करके हम लोग को आर प्लेनेट टूल्स में जाना है, वहाँ में हम लोग एटॉमिक पावर को देख सकते हैं। और लास्ट वीडियो में यहाँ में दिखाया था आप लोग को, शायद कहाँ में दिखाया था, मैं जो लास्ट वीडियो डाला था इस वीडियो में आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ में दिखाया था कैसे हम लोग को चेक करना है। ठीक है, आज का टॉपिक में आते हैं। अभी देखिए अगर आप लोग को आर प्लेनेट हो गया या एलियन वर्ल्ड हो गया या डार्क कंट्री हो गया, उसमें अगर आप लोग को गेम में आपको एंट्री करना है तो उसके लिए आप लोग को चाहिए वेक्स का वॉलेट। देखिए ये एक वेक्स का वॉलेट है और इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, देखिए ना PC के लिए है ना मोबाइल के लिए। इसको आप लोग को गूगल में ही ओपन करना होता है, जस्ट आपका ईमेल से लॉगिन करने से ये वॉलेट ओपन हो जाता है, लेकिन आपका जो ईमेल है उसका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिक्कत ये आता है कि बहुत लोग मुझे कल पूछ रहा था कि सर जी जब मैं स्टेकिंग लगाता हूं तो ये फेल हो जाता है, कुछ इरर दिखाता है रेड कलर में, उसका रीजन मैं आप लोग को बताता हूं। देखिए आप लोग को क्या करना है, वेक्स का वॉलेट को ओपन करना है, उसके बाद हमें रिसोर्स में आना है। देखिए हमें सेंड रिसीव रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स में आने के बाद हमें देखिए CPU मिलेगा, नेट मिलेगा और ये हमें रैम मिलेगा। आप लोग का क्या करना है, CPU में कुछ वेक्स डाल देना है, मान लीजिए 5 वेक्स आप यहाँ में डाल दिया, यहाँ में देखिए ये नेट में भी आपने मान लीजिए 2 डाल दिया, या रैम में भी अगर आप लोग देखेंगे यहाँ में अगर यूज़ पूरा टोटल फुल हो गया है तो इसको क्या करना है, घटाना होगा। तो उसके लिए हम लोग को CPU में कुछ वेक्स स्टेक करना होगा, और वो जो स्टेक करेंगे हम लोग CPU का वो हम लोग बाद में उसको अनस्टेक भी कर सकते हैं। ठीक है, नेट पे भी कर सकते हैं, लेकिन रैम में जो हम लोग यूज़ करेंगे उसको हम लोग अनस्टेक नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको हम लोग को बाय करना पड़ता है रैम को। ओके, ये अगर क्लियर रहेगा, यहाँ में देखिए अभी रैम मेरा पूरा ओके है, 14 है, 15 है, 16 है, 27 तक ओके ही रहता है। यहाँ में भी देखिए अभी मेरा ओके है, और एक दो में कार्ड स्टेक लगाऊंगा तो ये फुल दिखाएगा, तब मुझे फिर से हमें 10 जैसा मुझे वेक्स डालना पड़ेगा। ठीक है, ये सेकंड बात क्लियर हो गया। आप लोग सब चेक कीजिएगा, अगर किसी का ऐसा एरर दिखाता है तो आप लोग यहाँ में स्टेक कर लीजिएगा कुछ तो। ओके, अभी हम लोग आते हैं, देखिए अभी मार्केट देखिए, अभी एटॉमिक हब एक बहुत ही अच्छा मार्केट है। ठीक है, जेन्युइन मार्केट है, या यहाँ में देखिए और एक मार्केट है उसका नाम है देखिए NFT हाइप। इसमें भी आप लोग आर प्लेनेट का एलिमेंट हो गया, रिग हो गया, लैंड हो गया, आप लोग टोटली यहाँ में खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि एटॉमिक हब ही बेस्ट है आप लोग के लिए, थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, मतलब 1-2% इसमें आपको थोड़ा दिक्कत आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा देखिए हमें सेल पैकेज है इधर, लेकिन इसमें अगर आप लोग देखेंगे आर प्लेनेट में क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ में टूटते ही आप लोग को दिखाई देगा ये रिग हो गया, एलिमेंट हो गया, इन्वेंटर्स हो गया, लैंड देखिए
टोटली आप लोग को यहाँ में ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो रिग और एलिमेंट में इतना डिफरेंस है कि एलिमेंट का अगर हम लोग को पावर देखना है तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ में बाय करने से हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर हम लोग ये प्लगइन यूज करेंगे तो यहाँ में हम लोग को उसका भी पावर दिखाई देगा, ओके। बाकी आप लोग रिग भी खरीद सकते हैं, एलिमेंट भी खरीद सकते हैं, जो सस्ता में मिले। अगर आपको पावर बढ़ाना है तो एलिमेंट में आपको ज़्यादा पावर बढ़ेगा, क्योंकि एलिमेंट का जो मतलब प्राइस अभी रिग से थोड़ा सस्ता है। अगर रिग आपको 2.5 में मिलता है, एलिमेंट आपको 2.4 में ही मिल जाएगा, ठीक है। और ग्रुप में ही आपको बाय करना है। देखिए ग्रुप का बाय का जो टोटल प्रोसेस है, मैंने एक वीडियो बना दे, ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और आई बटन में भी मैं ये वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, ओके। उसके बाद अभी हम लोग आते हैं, देखिए ये अभी देखिए मेरा जो पावर है 5374 है, और अभी तक देखिए कल से मुझे अभी तक इतना अभी तक UX मिला है। देखिए यहाँ में देखिए 157,952 UX मुझे अभी तक मिला है, ठीक है। और अगर हम लोग मेरा माइनिंग का पावर देखेंगे तो ये मेरा यूजर आईडी है, तो इसको कैलकुलेट करने से मुझे देखिए कल से अभी तक 23 USD मुझे मिला है। और आज का थोड़ा प्राइस डाउन है, यहाँ में देखिए मैंने नॉर्मली $22 to $23 दिखाते हैं पर डे का मेरा इनकम, लेकिन आज थोड़ा कम है, क्योंकि देखिए ये क्रिप्टो मार्केट डाउन है, और अगर बिटकॉइन इथेरियम डाउन होते हैं तो टोटली क्रिप्टो का मार्केट ही डाउन हो जाते हैं। और टोटली ये एलन मार्क एक वो तो मैं बोलूँगा वो एक मेड पर्सन है, ठीक है। कल उसने फिर से अपना ट्विटर में बिटकॉइन का लोगो लगा के अपना DP लगाया है, मतलब वो अभी बिटकॉइन अभी फिर से वो उसने इथेरियम के ऊपर तारीफ करना चालू किया है कि इथेरियम को हम एग्री करते हैं, विटालिक को उसने ट्वीट किया है। तो ये सब देखिए एलन मार्क तो उसको कमाने से मतलब है, उसका पीछे भागेगा तो हम लोग को लॉस ही होगा। तो इसलिए देखिए मैं क्रिप्टो में तो मैं हूँ, लेकिन अभी मैं ये लाइन भी स्टार्ट कर दिया हूँ, आर प्लेनेट हो गया या एलियन वर्ल्ड हो गया। एलियन वर्ल्ड को थोड़ा मैं स्टडी कर रहा हूँ, अगर उसमें मुझे अच्छा रिजल्ट मिलते हैं तो मैं एलियन वर्ल्ड के बारे में भी आप लोग को वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उसको मैं अभी कुछ इन्वेस्टमेंट करके उसमें स्टडी कर रहा हूँ। तो कैसे हम लोग को वहाँ से भी मिल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है हम लोग को क्लेम करना पड़ता है, लेकिन आर प्लेनेट में ऐसा नहीं है, हम लोग को स्टेक लगा के छोड़ देना है, ऑटोमेटिक यहाँ से इनकम होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी आते हैं, अगर हम लोग को इसको क्लेम करना है कैसे करना है। देखिए आज का रेट डाउन है, फिर भी मैं आप लोग को क्लेम करके दिखाता हूँ, क्योंकि इससे आप लोग को और भी क्लियर होगा। देखिए ये मेरा इनकम बना हुआ है, ओके, इसको अभी हम लोग को कैसे क्लेम करना है, ठीक है। तो क्लेम करने के लिए देखिए हम लोग को क्या करना होगा पड़ेगा, स्टेक में जाना पड़ेगा, और यहाँ में देखिए क्लेम क्लेम ऑल में मुझे क्लिक करना है। और आप लोग को मैं लाइव अभी सेल करके भी दिखाऊंगा, ये जो मुझे एथर मिलेगा उसको सेल करके दिखाऊंगा UX में, ठीक है। ये देखिए मैंने इसमें क्लिक किया, उसके बाद देखिए यहाँ में एक ऑप्शन आएगा कि मुझे अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अप्रूव में क्लिक करूंगा, अभी ये आने दीजिए। यहाँ में देखिए ट्रांजेक्शन फेल दिखा रहा है, ठीक है, इसको मुझे फिर से ट्राई करना होगा। तो मैं इसको काट कर देता हूँ, फिर से मैं क्लेम के लिए ट्राई करता हूँ, ऐसा कभी कभी होता है, ठीक है। अगर नहीं होता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार मेरा जो UX का वॉलेट है उसको लॉग आउट करना पड़ेगा, फिर से मुझे लॉग इन करना पड़ेगा, तब ये हो जाता है नॉर्मली। ये फिर से कैंसिल हो गया तो कोई बात नहीं है, मैं इसको काट कर देता हूँ, ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अपना जो UX का वॉलेट है उसको एक बार लॉग इन करके लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। और अभी मैं एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉगिन किया, और यहाँ में भी एक बार मैंने लॉग आउट करके फिर से लॉगिन किया, उसके बाद अभी हम ट्राई करते हैं क्लेम करने के लिए, ठीक है। इसमें मैंने फिर से क्लिक किया, और कभी कभी देखिए इसका नेटवर्क में भी UX का कुछ इशू आता है, उसके वजह से भी ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, हो ही जाता है नॉर्मली क्लेम, ओके। तो इसको आने देते हैं, ये फिर से ट्रांजेक्शन फेल दिखा रहा है, शायद कुछ UX का मतलब ब्लॉकचेन में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर आप लोग को क्लेम करके दिखाऊंगा, अभी तो नहीं हो रहा है। देखिए मैंने ट्राई किया था 2 बार, और जब ये मुझे क्लेम हो जाएगा, मेरा ये जो एथर है वो जब क्लेम हो जाएगा तो यहाँ में मेरा शो हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर हम लोग को इसको सेल करना है तो जस्ट एल्कोर एक्सचेंज में हम लोग को जाना है। देखिए एल्कोर एक्सचेंज में आपको मार्केट भी मिलेगा, स्वैप भी मिलेगा। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ में नीचे में एथर को चूज करना है, नहीं नहीं ऊपर में हम लोग को एथर को चूज करना है, और नीचे में UX डालना है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसमें क्लिक करना है, जितना भी मेरा एथर यहाँ में शो हो जाएगा उसका बदले में यहाँ में मेरा जो मतलब UX टोकन है वो मुझे शो हो जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ में क्या करना है, जस्ट स्वैप में क्लिक करना है, तो ये स्वैप हो जाएगा, ठीक है। आज का प्राइस भी डाउन है, ठीक है, मैं नहीं करता हूँ अभी, ऐसे भी अभी बेचने से मुझे लॉस ही होगा, कल अगर बेचेंगे तो $2-3 में प्रॉफिट में रहूँगा, ठीक है। और अभी देखिए मेरा वॉलेट में देखिए $23 है, ठीक है, इतना डॉलर का मेरे पास अभी एथर मेरा माइन हो चुका है कल से, ठीक है। तो अभी शाम तक शायद ये $30 तक हो जाना चाहिए, मैं कैलकुलेट करके देखा हूँ, ठीक है। ऐसे आप लोग भी डेली इनकम कर सकते हैं इससे, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा है। अभी देखिए एक एक अगर आप लोग देखेंगे 400-500 अगर पावर का अगर NFT आपको लेना है तो एक एक NFT का प्राइस है कम से कम 15,000 से 20,000 रुपये, ये एक बात है।
जो छोटा इन्वेस्टर है उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। और देखिए, अगर कोशिश करके अगर आप लोग थोड़ा बहुत से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो गेम है अभी पहला फेज में ही है, इसमें फेज टू फेज थ्री आना बाकी है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए, मैं आर प्लेनेट को लॉग आउट करता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्टली आर प्लेनेट ही क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैं इसमें जाता हूँ वेबसाइट में, उसके बाद हम लोग नीचे में आते हैं। यहाँ मैं देखिए, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए, थोड़ा सिंपली समझाया है कि ऐसे आप लोग को क्या करना है, कैसे आपको एथर जनरेट करना है, कैसे यूएक्स मिल सकता है, कैसे आप एनएफटी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ में देखिए, ये रोड मैप हो गया। ठीक है, अभी देखिए पार्ट वन ही फिनिश नहीं हुआ, अभी भी पार्ट वन में एक दो चीज़ आना बाकी है, उसके बाद पार्ट टू स्टार्ट होगा। ठीक है, पार्ट टू के बाद फिर से पार्ट थ्री स्टार्ट होगा। अभी देखिए 6 महीने हो गया है, अभी तक यहाँ तक ही स्टार्ट हुआ है, अभी ये बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है, बहुत सारा कुछ बाकी है। मतलब ये गेम हम लोग को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, और इतना दे सकते हैं कि हम लोग सोच नहीं सकते हैं। दूसरा बात देखिए, अगर हम लोग रिग को बाय कर लेते हैं, ये रिग का भी प्राइस अभी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। स्टार्टिंग में मुझे 2.4 में भी रिग मिल जाता था ग्रुप में, अभी ये सब रिग हम लोग को 2.9 2.7 के नीचे मिलता ही नहीं है, और अभी तो 3 हो गया है, 3.1 3.2। अभी अगर आप लोग यहाँ से बाय करेंगे तो 3.2 3.3 लगेगा। अभी फॉर एग्जांपल देखिए, मैं इसको ही ले लेता हूँ। ठीक है, इसका प्राइस देखिए $93 रखा है, 579 वेक्स रखा है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है, इसका प्राइस कितना होना चाहिए, मतलब नॉर्मली कितना होना चाहिए और अभी का प्राइस कितना है। देखिए, ये जिसने भी सेल लगाया, इसने कितने लगाया है, 579 डिवाइड बाई देखिए 150 करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका पावर 150 है, 3.86 में बेच रहा है, मतलब 4 हो ही गया है। और किसी किसी ने तो इसको 4 में भी सेल लगाना चालू कर दिया, 4.0 4.2 में। तो ऐसे क्या होगा, इसका प्राइस धीरे धीरे और भी बढ़ेगा, तब आपका जो NFT है उसका भी प्राइस ग्रो होगा। ऐसा नहीं कि आपने अभी अगर 15,000 से खरीदा तो कल हमको 15,000 मिलेगा, उसमें 20,000 25,000 भी मिल सकते हैं। और ये जितना भी NFT है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि NFT ही बाय करें, मतलब NFT मतलब रिग ही बाय करें। ठीक है, एलिमेंट भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन रिग में ज़्यादा डिमांड है। अगर आप लोग को एटॉमिक हब में सेल लगाना है तो ये रिग जल्दी सेल होता है एलिमेंट के मतलब टक्कर में, अगर हम लोग बात करते हैं। लेकिन एलिमेंट अगर हम लोग ग्रुप में सेल करते हैं तो वहाँ में इजीली सेल हो जाते हैं, क्योंकि ग्रुप में सबको मालूम है, ग्रुप में जो भी बाय सेल करते हैं वो लोग का टोटल प्रोसेस मालूम है कि हम लोग को कैसे चेक करना है, कौन सा ओरिजिनल है, कितना प्राइस होना चाहिए। नॉर्मली अभी देखें ग्रुप में भी 2.7 प्राइस हो ही चुका है, मैं स्टार्ट किया था 2.4 2.5 में, अभी तो 2.7 हो चुका है। और ये देखिए, ये चीज़ है, और बाकी कुछ नहीं। देखिए, ये भी एक नया टेक्निक आया है जहाँ में हम लोग बहुत ही अच्छा इनकम ले सकते हैं स्टेकिंग करके। और दूसरा बात, मुझे किसी ने और एक बात पूछा था, अगर हम लोग यहाँ में आर प्लेनेट का स्टेक करते हैं, ठीक है, तो ये सब जो है मैं आप लोग को दिखाता हूँ इसको लॉगिन करके। ये देखिए, यहाँ में आर प्लेनेट का जो हम लोग का एलिमेंट है, इसको हम लोग यहाँ स्टेक कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग ये सब अगर हम लोग को सस्ते में मिल जाता है, यहाँ का भी NFT जिसमें पावर ज़्यादा है, तो अगर हम लोग उसको स्टेक करेंगे तो क्या उसका प्राइस मतलब उसका जो पावर है वो धीरे धीरे घटेगा? तो उसका जवाब है हाँ। लेकिन आर प्लेनेट का जितना भी एलिमेंट हो गया, रिग हो गया, उसमें पावर नहीं घटता है, लेकिन ये सब में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे घटने लग गया। और अभी सबको पहले ये सब किसी को पता नहीं था, तो सब ये सब रिग खरीदता रहा, ज़्यादा आर प्लेनेट का नहीं खरीदता रहा, क्योंकि आर प्लेनेट का रिग का प्राइस ज़्यादा है। लेकिन अभी सबको ये मालूम हो गया कि ये सबका जो रिग का जो पावर है वो धीरे धीरे घट रहा है, मतलब स्टेकिंग में जो आपको पहले दिन अगर 100 मिला है तो धीरे धीरे आपको 90 मिलने चालू होगा, 80 मिलने चालू होगा, मतलब उसका पावर धीरे धीरे घट जाएगा। तो इसके लिए बहुत लोग ये सब भी रिग सेल कर रहा है, आप लोग को खरीदना है। अगर आप लोग नया पर्सन है, ओनली आर प्लेनेट का ही रिग या एलिमेंट खरीदना है, ठीक है, आप लोग को दूसरे में नहीं जाना है। हम लोग को दिखाई दे रहा है आर प्लेनेट का, हम लोग को अगर कोई भी रिग 400 पावर का अगर $200 में मिल रहा है, 230 में मिल रहा है, फिर भी हम लोग को वहाँ में प्रॉफिट ही मिलेगा। लेकिन दूसरे का अगर हम लोग को 500 पावर का भी अगर $200 में मिलता है, तो हम लोग को मतलब बाद में क्या होगा, उसका वैल्यू और भी घटेगा धीरे धीरे, क्योंकि उसका जो माइनिंग पावर है धीरे धीरे डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है, जितना भी हो सके आप लोग को आर प्लेनेट का ही सामान खरीदना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। देखिए, एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म है जहाँ में आप लोग ये जो माइनिंग रिग वगैरह का NFT है, इसमें स्टेक करके आप लोग यहाँ से इनकम ले सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, जस्ट आप लोग को रिग खरीदना है, ग्रुप से खरीदने के लिए कोशिश कीजिएगा। और मैं इस वीडियो में मैं लाइव बताया हूँ कैसे मैंने एक मतलब माइनिंग का रिग खरीदा है, आप लोग को मैं लाइव दिखाया हूँ। अगर आप लोग ये वीडियो को पूरा फुल देख लेंगे तो आप लोग को टोटल क्लियर हो जाएगा कैसे हम लोग को ग्रुप से बाय करना है।
और ग्रुप का देखिए लिंक तो नहीं है, लेकिन ग्रुप का जो टेलीग्राम का आईडी है मैं इसी वीडियो के नीचे डाल के रखा हूँ, उसको कॉपी करके आप लोग टेलीग्राम में सर्च करके उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो शायद अभी आप लोग को ये टोटल क्लियर हो गया है, तो ये अभी मैं आप लोग को क्लेम करके दिखाने नहीं सका, नहीं तो मैं सोच रहा था कि आप लोग को एलकोर में ले जाके इसको लाइव स्वैप करके दिखाऊं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग को वेक्स खरीदना है और कैसे हम लोग को वेक्स वॉलेट में डिपॉजिट करना है, और उसके बाद कैसे हम लोग को एक एनएफटी बाय करना है, ठीक है। एनएफटी बाय करने का प्रोसेस तो मैंने बता दिया इस वीडियो में, लेकिन मैं आप लोग को दिखाऊंगा कैसे हम लोग को वेक्स यहाँ में डिपॉजिट करना है और कौन सा एक्सचेंज। मुझे बहुत लोगों ने पूछा था कौन से एक्सचेंज में सबसे चीप विड्रॉल होता है, क्योंकि देखिए कोई भी एक्सचेंज से अगर हम लोग विड्रॉल लगाते हैं तो वहाँ में एक फीस होता है। देखिए उसका जवाब है हुबोई एक्सचेंज। हुबोई एक्सचेंज देखिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ, हुबी जो एक्सचेंज है, ये देखिए हुबी एक्सचेंज, इसमें सबसे चीप प्राइस है। जितना भी मैंने चेक किया अभी तक जितना भी एक्सचेंज है, बिट्रेक्स भी है, उसके बाद शायद कूकॉइन भी है, लेकिन मुझे यही सबसे मिला कि ये एक्सचेंज में ओनली 5x में विड्रॉल हो जाते हैं, ठीक है। और इसी एक्सचेंज का लिंक भी मैं इसी वीडियो के नीचे दिया हूँ, अगर आप लोगों को यूज़ करना है तो उस लिंक से आप लोग साइन अप करके ये एक्सचेंज को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है और बिल्कुल ही बाइनेंस का ही कॉपी है। बाइनेंस एक्सचेंज अगर आप चलाते हैं तो इसको चलाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया और ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं, तो आज का वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड बाय।